नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये एरर फॉर्मूला का चैप्टर है और एरर फॉर्मूला की हम दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज, और दूसरी वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम एरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरर का बेनिफिट क्या है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली मैं 5 से 10 वीडियोस एक्सेल एमआईएस से रिलेटेड डालता हूं, तो आप मिस ना करें। तो मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है एरे का कि बेनिफिट क्या है, क्या यूज है एरे का। तो मान लीजिए मेरे पास स्टॉक है, डेट है, और कितना पे ओपन हुआ है, कितना पे क्लोज हुआ है। मतलब मान लीजिए कि किसी दिन जो है आपका इस कंपनी का जो व्यवसाय शेयर मार्केट है, 78 पे ओपन हुआ और 98 पे चेंज हुआ, क्लोज हो गया। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम चेंज निकालना है कि भाई सबसे हाईएस्ट कितना बढ़ा, मुझे पता करना है। तो अगर जनरली हम बात करें एक्सेल की, तो जनरली एक्सेल में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेंज का कॉलम बनाएंगे, और चेंज के कॉलन में हम क्लोज माइनस ओपन करेंगे, और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, और फिर इसका मैक्स निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे एक कॉलन इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूं। तो हम इसका रिजल्ट इतने सारे सेल्स में नहीं, एक सिंगल सेल्स में कैसे लाएंगे, चलिए हम आपको समझाते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे, इसलिए कई फॉर्मूले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे मैक्स का। मैक्स मैक्स में हमने बोला क्लोज माइनस ओपन, जी हाँ, क्लोज माइनस ओपन हमने दिया, और फिर यहां पे हम एंटर प्रेस करेंगे। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो मैं इसका कलर हटा देता हूं, नो फिल कर देता हूं। क्लोज माइनस ओपन हमने पूरा एक स्थान दे दिया, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीजिए, यहां पे रिजल्ट आएगा कि 51 जो है सबसे हाईएस्ट है यहां इसका। और इसी तरह से मिनिमम चाहिए, तो यहां पे हम मिन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोज माइनस ओपन कर देंगे, डायरेक्टली यहीं पे कर देंगे। जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट होंगे उनको ये थोड़ा सा बेसिक लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत की है, दूसरी वीडियो एरे पे है, तो दूसरी में बहुत लंबा फॉर्मूला नहीं डाल सकते, समझने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पे एक तरीका और है, मैं यहाँ पे सब टोटल भी डाल सकता हूँ कि सब टोटल में हमने, सब टोटल ही माफ कीजिएगा, यहाँ पे सम प्रोडक्ट हमने यहाँ पे इसको लिया माइनस इसको लिया, और यहां पे एंटर प्रेस किया। तो सम प्रोडक्ट ने क्या किया, सम प्रोडक्ट ने यहां पे सम कर दिया, क्या कर दिया, सम कर दिया। तो मैक्स के लिए सम प्रोडक्ट यूज नहीं होगा। हाँ, मैक्स के लिए मुझे यहां पे मैक्स का ये लगाना पड़ेगा, मैक्स तब होगा, लेकिन फिर लगाने से फायदा क्या होगा। तो सम एरे में सम प्रोडक्ट का भी हम काफी यूज करते हैं, जी हाँ, बहुत यूज होता है हमारा एरे में सम प्रोडक्ट का। और आगे की वीडियोज में हम आपको इसी तरह समझाएंगे कि क्या यूज है। बट सिंपल सी बात समझ लीजिए कि एरे का यूज होता है कि कोई ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी हो जिसमें नॉर्मल एक्सेल में कई सारे सेल्स लग रहे हों, लेकिन एरे इसको सिंगल सेल में कैलकुलेट कर देगा। और एरे लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि एरे हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पे रिजल्ट जो है नंबर्स में आता है। अगर रिजल्ट नंबर्स में आ रहा है तभी हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई ऐसे दोस्त है जिनको ये चाहिए इस तरह की इंफॉर्मेशन, तो मेरे चैनल को उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।